एमपी में इन दिनों सियासी पारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच आरोप प्रत्यारोप और भी तेज हो गए हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लोकतंत्र और संविधान वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इस समय लोकतंत्र या संविधान नहीं बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी खतरे में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के आरोप पर कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बार बार बात कहते हैं कि जेल भेज रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश में आपातकाल लगाया गया, तब संविधान को किसने तार तार किया था और किसने लोकतंत्र का गला घोंटा था। शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा ने नोचे जैसी हो गई है और उसके नेता राहुल गांधी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। इस समय ना लोकतंत्र खतरे में है ना संविधान। खतरे में लोकतंत्र नहीं है, संविधान सुरक्षित हाथों में है। खतरे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस खतरे में है। अगर कोई गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। कांग्रेस ने तो निरपराधों को जेल भेजा था। कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। हम उस रिपोर्ट कार्ड और आगे के रोड मैप को लेकर मैदान में जाएंगे, पर अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। अब की बार 400 बार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।